Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Saleem. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start our chapter number 6, that is about chemical bonds. And in this lecture we are going to get an introduction ke further is lecture ke andar, is chapter ke andar hum kin concepts ko seekhenge aur kin skills ko achieve karenge. So apne lecture ko start karte hain. Hamare paas jo lecture number 1 and 2 hai wo is SLO par base karega jisme hum explain karenge chemical bonds ko that are formed as a result of attraction between atoms in a compound and the atoms electrons are involved in this type of bonding. Hum chemical bonding ko define karenge. Iske ilawa hum jis term ke zariye se start karenge, that is about valency. Hum isko samjhenge and dekhenge ki kis tarah valency chemical bonding ke andar role play karti hai. फर्दर हम अपने इन्हीं नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी दो एक्टिविटीज़ को अचीव करेंगे, इनके स्किल शीट्स को सॉल्व करेंगे और इन स्किल शीट्स को आप ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड और इनका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा. सो यू कैन इजीली ओपन इट, यू कैन इजीली असेस द वर्कशीट्स बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक. फर्दर हमारे पास जो लेक्चर नंबर 3 है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड की फर्स्ट टाइप को, दैट इज अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स. एंड इन दिस एसएलओ विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इस कंसेप्ट को हम सीखेंगे बाय डिस्कसिंग द फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. फर्दर हम अपने लेक्चर नंबर 4 के अंदर डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला के जरिए से सीखेंगे कि किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी डिस्कस द मॉडलिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स. इन लेक्चर नंबर 5 वी नेम सर्टेन कोवेलेंट कंपाउंड्स. हम इनको लिखने का तरीका देखेंगे, हम समझेंगे कि हाउ वी राइट अ केमिकल फॉर्मूला फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड वी डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ देम और इस कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसको बेहतर तरीके से समझेंगे और अपने इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपने मॉडल मेकिंग करेंगे इन स्किल 6.1 जिसमें हम आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉडल्स की प्रिपरेशन करेंगे और इन मॉडल्स की प्रिपरेशन के जरिए से आप इजीली कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकेंगे. फर्दर हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर आयोनिक बॉन्ड्स एंड हाउ वी राइट देयर फॉर्मूला. हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन इजीली राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर आयोनिक कंपाउंड्स एंड वी डू डिस्कस डिफरेंट एग्जाम्पल्स सो वी कैन अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे. फर्दर हमारे पास इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए हम अपने स्किल्स को अचीव करेंगे, दैट इज स्किल 6.2 एंड स्किल 6.3. अगेन आप इन स्किल शीट्स को ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड दैट इज पेस्टेड ऑन योर बुक्स जस्ट बिसाइड दिस स्किल्स. इन लेक्चर नंबर 7 वी नेम सर्टेन आयोनिक कंपाउंड्स. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी तरह हम अपने इस लेक्चर के अंदर आयोनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से और हम उनकी नेमिंग करेंगे. एंड इन लेक्चर नंबर 8 वी रिवाइज द एंटायर चैप्टर, द कंसेप्ट दैट वी जस्ट कवर्ड. उसके अलावा हम एक माइंड मैप के जरिए इसको रिवाइज करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज हम इनको रिवाइज करेंगे ताकि हम अपने कंसेप्ट को रीइन्फोर्स कर सकें. और इसके अलावा आपको हर लेक्चर के साथ वर्कशीट्स अवेलेबल होंगी जिनका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा. आप उस लिंक पे क्लिक करके इजीली इन वर्कशीट्स को असेस कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द वैलेंसी. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. सो डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.